हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो WWE ने जेफ हार्डी को रिलीज कर दिया है उनके WWE कॉन्ट्रैक्ट से और स्मैकडाउन में इस हफ्ते ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच होने वाला है, ये डिसाइड करने के लिए कि WWE की बेस्ट टीम कौन सी है। और ज़ायली भी इस हफ्ते स्मैकडाउन में डेब्यू कर रही है और रोमन रेक्स चाहते थे कि उनका जेफ हार्डी का मैच हो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। और कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर भी रिटर्न आ रहे हैं रोमन को कन्फ्रंट करने। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि WWE का लाइव इवेंट चल रहा था जिसमें जेफ हार्डी ने टीम अप किया था ड्रू मैकइंटायर और जेवियर वुड्स के साथ और उन्होंने फेस किया रोमन रेक्स, जे उसो और जिमी उसो की टीम यानी कि ब्लड लाइन की टीम को सिक्स मैन टैग टीम मैच में। लेकिन इस मैच में ड्रू मैकइंटायर को टैग देने के बाद जेफ हार्डी चलते मैच को छोड़कर ऑडियंस की तरफ से होते हुए चले गए और उन्होंने मैच को कंप्लीट भी नहीं किया। और WWE ने इसी वजह से जेफ हार्डी को रिहैब जाने का ऑफर दिया था लेकिन जेफ ने रिहैब जाने से मना कर दिया, इसलिए अब WWE ने रिलीज कर दिया है जेफ हार्डी को। और WWE चैंपियन बिगी ने ये बोला है कि जेफ हार्डी को बाकी के रेसलर्स इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि उन्हें WWE से निकालने के बाद भी एक भी रेसलर ने उनकी बुराई नहीं की और बिगी को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे जेफ हार्डी। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि जेफ हार्डी जिस भी प्रमोशन में जाएं उनकी हेल्थ सही रहे और वो उनकी गलत आदत से पीछा छुड़ा सकें। वैसे क्या आप लोग को भी बुरा लग रहा है जेफ हार्डी के रिलीज होने से, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। तो इस हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए WWE ने ये अनाउंस कर दिया है कि स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस द उसोस फेस करेंगे द न्यू डे के जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन की टीम को और ये दोनों टीम्स का मैच होगा ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच में रॉ टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो के साथ। और हां, सर्वाइवर सीरीज के बाद ये पहली बार रॉ के टैग टीम चैंपियंस आरके ब्रो स्मैकडाउन में आ रहे हैं और इन तीनों टीम्स में से जो भी जीतेगी वो खुद को बेस्ट टीम बोल सकते हैं WWE में। वैसे आप लोग के हिसाब से इन तीनों टीम्स में से बेस्ट टीम कौन सी है, आरके ब्रो, द उसोस या फिर द न्यू डे, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि टोनी स्टॉर्म और शार्लेट फ्लेयर का मैच होना कंफर्म है, तो अब WWE ने भी अनाउंस कर दिया है कि शार्लेट फ्लेयर और टोनी स्टॉर्म का कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में मैच होने वाला है। और अगर टोनी ने शार्लेट को हरा दिया तो फिर उन्हें फ्यूचर में स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच शार्लेट फ्लेयर के खिलाफ मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या टोनी स्टॉर्म शार्लेट को हराकर कंटेंडरशिप मैच में जीतती है या नहीं। और बहुत से हफ्तों से टीज करने के बाद कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ज़ायली उनका डेब्यू करने वाली है और कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में नियोमी का सिंगल्स मैच सोनिया डेविल के साथ WWE ने अनाउंस कर दिया है। तो अब न्यूज ये सुनने में आ रही है कि जेफ हार्डी के साथ रोमन रेक्स फाइट करना चाहते थे और अगर ब्रॉक लेसनर समरस्लैम 2021 में रिटर्न नहीं आते तो रोमन क्राउन ज्वेल 2021 में जेफ हार्डी को फेस करना चाहते थे यूनिवर्सल टाइटल के मैच में। और जेफ हार्डी ने भी स्टोन कोल्ड के पॉडकास्ट में ये बोला था कि उन्हें रोमन के साथ फाइट करना है क्योंकि उन्होंने शील्ड के दोनों मेंबर यानी कि सेथ और डीन के साथ सिंगल्स मैच में फाइट किया है। लेकिन अब जेफ हार्डी के जाने के बाद रोमन और जेफ का मैच पॉसिबल नहीं है और कल फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर और द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स फिर से फेस टू फेस आने वाले हैं क्योंकि इन दोनों का मैच कंफर्म हो गया है डे वन पेपरव्यू में और रोमन और ब्रॉक के ब्रॉल के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसलिए कल का स्मैकडाउन मिस मत करिएगा। वैसे आप लोग ब्रॉक और रोमन के मैच में किसको सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट करके सबके साथ शेयर करें। और इस हफ्ते के स्मैकडाउन इंडिया में सैटरडे 11 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे से सोनी 10/1 और सोनी 10/3 पर देगा। और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।